आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि GTA 5 RP में वेपन्स कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें गन्स एंड एमो तो है ही, साथ ही आर्बर क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। हम ये भी जानेंगे कि ग्रैंड RP में गन्स कैसे रिपेयर करें, लीगल गन्स पर से सीरियल नंबर कैसे हटाएं। काफी काम की वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, बिकॉज बहुत से लोगों को ये ट्रिक्स पता ही नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ। बाकी आपने अभी तक ग्रैंड RP खेलना शुरू नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो, जिस सर्वर पे खेलना चाहते हो सेलेक्ट करो, अकाउंट फ्री में रजिस्टर करो एंड लॉन्चर डाउनलोड कर लो, जिसके बाद आप खेलने आ सकते हो। अब सबसे पहला तरीका है वेपन्स को क्राफ्ट करना, एंड इसके लिए आपको खूब सारा स्क्रैप मेटल चाहिए। सिंपली आई प्रेस करो, देन क्राफ्टिंग आइटम्स पे जाओ एंड देन वेपन्स। वहां बहुत सारे वेपन्स हैं, एंड अगर आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो दिखाएगा कि भाई कितना स्क्रैप मेटल लगेगा। जैसे एयर बनाने में 3 स्क्रैप मेटल लगता है, बुलपप एयर बनाने में भी 3 मेटल, कॉम्पैक्ट एयर को 2, कार्बाइन एयर को 4, एंड ऐसे करके आप सभी का देख सकते हो। फिर 100 AR एमओ बनाने के लिए एंड रिवॉल्वर एमओ बनाने के लिए भी 5 मेटल लगते हैं। बट हाँ, ये तरीका तभी काम का है अगर आप खुद जाकर मेटल ढूंढो। कैसे ढूंढना उसके लिए फॉसल मैप यूज करो, जिसके लिए मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी। बट हाँ, अगर आप स्क्रैप मेटल खरीद के वेपन्स बनाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, बिकॉज भाई एक मेटल 5-6 हज़ार का आता है। और इनफैक्ट आप स्क्रैप मेटल ढूंढ के बनाओगे तो भी वर्थ इट नहीं है, बिकॉज जितना आप बेच के कमा लोगे ना, उतने में एक की जगह 4-5 वेपन्स आ जाएंगे। खैर, मेरे को बस ये मेथड बताना था ताकि आपको पता रहे कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। एंड अगर फ्यूचर में स्क्रैप मेटल का प्राइस बहुत गिर जाए, सपोज 500 का हो जाए या 1000 का मिलने लगे, तो ये मेथड बढ़िया है। ऑल्सो इन सभी वेपन्स का क्राफ्टिंग चांस 100% है, सो कोई वेस्टेज नहीं होगी। वरना कभी बर्बाद करने के लिए स्क्रैप मेटल पड़ा हो ना, तो ट्रक बना के देखना, 100 स्क्रैप मेटल्स लगते हैं एंड क्राफ्टिंग चांस सिर्फ 10% है। अब सेकंड मेथड है यूजिंग वेपन्स असेंबली। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। मैप पे एक टारगेट जैसा आइकन मिलेगा मारबुंटा HQ के पास, उसे फाउंड्री कहते हैं, एंड वहां जाओगे तो एक NPC खड़ा होगा। उसके पास जाओ, ई प्रेस करो एंड देन क्लिक ऑन की व्हाट आई कैन पुट टुगेदर। सो वहां वेपन्स दिख रहे होंगे एंड उन पे क्लिक करोगे तो लिखा आएगा कि क्या क्या चाहिए। बेसिकली ये सब बनाने के लिए ना आपको डिफरेंट वेपन पार्ट्स चाहिए रहते हैं। सभी गन्स के वेपन पार्ट्स अलग होते हैं एंड ये गैंग के इवेंट्स में मिलते हैं, लाइक बैटलशिप। यहाँ पे सबसे पॉपुलर है हैवी स्नाइपर, एंड उसके पार्ट्स बहुत महंगे सेल होते हैं, लाइक 50K या इवन 100K, बिकॉज वो स्नाइपर इतनी पावरफुल है कि एक शॉट में बंदा खत्म कर देती है, एंड इसलिए 2-3 लाख की सेल होती है। अब फाउंड्री में आप वेपन्स भी बना सकते हो, इसके लिए चाहिए आर्मर प्लेट्स। या तो ये गैंग्स के पास होती है, बिकॉज वो लोग FG रेड करते हैं तो उन्हें खूब सारी आर्मर प्लेट्स मिलती हैं, अदरवाइज आप स्क्रैप मेटल से बना लो। सिंपली आई प्रेस करके इन्वेंट्री में जाओ, देन क्रिएटिंग आइटम्स, देन अदर्स, एंड वहां आर्मर प्लेट लिखी आ रही होगी। एक स्क्रैप मेटल से एक आर्मर प्लेट मिलती है, ऐसे करके आप बहुत सारी बना लो। सो आप LV आर्मर बना सकते हो जिसमें 5 आर्मर प्लेट्स लग जाती हैं, एंड ये डार्क या फिर ब्राइट दोनों तरीके से बनता है। इसीलिए LV के आर्मर थोड़े महंगे भी सेल होते हैं मार्केट में, बिकॉज ये रात को चमकते भी हैं। साथ ही आप गैंग के आर्मर्स भी बना सकते हो। इसके लिए आपको फैब्रिक चाहिए डिफरेंट कलर्स के, जो आपको 24/7 स्टोर से 250 या फिर 500 रुपए में मिल जाएंगे। जिस गैंग में आप हो उसके कलर के अकॉर्डिंग ले लो फैब्रिक। फिर आप फाउंड्री में ही एक फैब्रिक एंड एक आर्मर प्लेट से कलर्ड आर्मर्स बना सकते हो। वहां लिखा भी है कि ये पर्टिकुलर आर्मर किस गैंग का है, ब्लड्स, वागोस, फैमिलीज, बालास या फिर मारबुंटा। देन नेक्स्ट है गन्स को रिपेयर करना, जिससे आप एक्चुअली बहुत पैसा बचा सकते हो। सिंपली क्या करना है, फाउंड्री के NPC पे ही ऑप्शन आता है कि आई वांट टू फिक्स अ गन, उस पर क्लिक करो तो आपकी इन्वेंट्री खुल जाएगी, एंड जो भी वेपन का डैमेज ज्यादा है उससे आप रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली वेपन्स यूज करते करते खराब होने लगते हैं एंड उनका डैमेज कम होने लगता है, वो परसेंटेज से शो होता है, 100% यानी कि पूरी तरह से ठीक है, एंड अगर उससे कम हो रहा है यानी थोड़ा थोड़ा खराब हो गया है, तो लो परसेंटेज वाले गन्स को लोग फेंक देते हैं। बट उससे अच्छा कि भाई आप यहाँ पे रिपेयर कर लो, नई गन खरीदने के पैसे बच जाएंगे। एंड रिपेयर का प्राइस शायद कैटेगरी ऑफ वेपन पे डिपेंड करता है, लाइक SMG में 700 लगते हैं एंड AR में 1500, LMG में 3000 एंड रिवॉल्वर में भी 3000। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना डैमेज है, प्राइस सेम ही रहता है। देन आप ऐसी सीरियल नंबर भी रिमूव कर सकते हो, बिकॉज अगर आप लियोस को मारोगे एंड उनको लूटोगे तो उनके वेपन्स ना लीगल होते हैं, यानी कि उनपे सीरियल नंबर होता है जो कि ट्रेसेबल है। सो बचने के लिए सेम ऑप्शन में ना रिमूव सीरियल नंबर का भी ऑप्शन आता है, एंड इसका फिक्स रेट है $200, फिर चाहे कोई भी वेपन हो। ऐसे ही करके आप देखोगे कि भाई जो वेपन पे सीरियल नंबर लिखा हुआ था, जहाँ पे और का पता लग रहा था एंड वेपन का सीरियल नंबर भी था, वो गायब हो चुका है, वहाँ पे XXXXX लिखा हुआ है। देन आप अपने वेपन्स पे स्किन भी लगा सकते हो, और सिर्फ शोबाजी की बात नहीं है ये, बल्कि आपके वेपन का डैमेज इससे 10% बढ़ जाता है। इसके लिए चाहिए स्प्रे कैन, जो कि 10,000 में मिल जाएगी आपको। देन वेपन को हाथ में रखो, आई प्रेस करके जाओ कैमोफ्लेज में, एंड वहां सभी कैटेगरी के वेपन्स की डिफरेंट स्किन्स आ रही है, जो अच्छी लगे लगा लो रीपेंट करके, एंड हाँ, इसमें एक पेंट कैन खर्च हो जाती है, बट ये स्किन परमानेंट है। सो जब भी आप कोई ऐसा वेपन होल्ड करोगे जिसकी स्किन है, तो वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। सो जहां तक मुझे लगता है मैंने वेपन्स के बारे में सभी कुछ बता दिया। एक तीसरा तरीका वेपन्स बनाने का है बंकर यूज करना, बट आजकल वो प्रॉफिटेबल नहीं है, सो बेकार ही है मेरे ओपिनियन में, मैंने उस पर भी रिसेंटली वीडियो बनाई थी। ऑल्सो अगर आप गन स्टोर के ओनर हो तो वेपन्स को और भी चीप में बना सकते हो। अगर मैं कभी गन स्टोर खरीदने लायक बना तो उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी आपने अभी तक ग्रैंड RP खेलना शुरू नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो, जिस सर्वर पे खेलना चाहते हो सेलेक्ट करो, अकाउंट
अकाउंट फ्री में रजिस्टर करो एंड लॉन्चर डाउनलोड कर लो, जिसके बाद आप खेलने आ सकते हो। वैसे ना वेपन्स के लिए स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बेस्ट स्किल्स जो आपको खरीदनी चाहिए ग्रैंड आरपी में वो जानने के लिए लेफ्ट वीडियो देखो। एंड ग्रैंड आरपी कैसे खेलना शुरू करे उसके लिए राइट वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, जीटी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर जीटीए वीडियोस। एंड मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।